जिहड़े वायदे भाजपा ने किए हैं साढ़े कन्ने पिछले चार सालों च, वो कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। उन्हें सिर्फ इलेक्शन वोट इकट्ठे करने वास्ते, वोट बटोरने वास्ते उन्हें प्रोपोगेंडा किया, लोगों को पोलराइज किया, बंडने की कोशिश की, तो सिर्फ जहर फैलाया, खास तौर जम्मू कश्मीर च। तो इन्हें लोगों तो बचने की बहुत जरूरत है। 2014 च असें गलती करी बैठे दिन, इतों के लोगों बड़ी भारी तादाद बीजेपी एम एल एज की जिताइए, सांसद बनाइए, इन्हें गवर्नमेंट बिठाईता, लेकिन उन्हें किया कुछ भी नहीं। इतने कठुआ डिस्ट्रिक्ट की अगर गल करचे तो इतों के पांच एम एल एज थोड़े है, एक डेप्टी सी एम, त्रै कैबिनेट मिनिस्टर्स, उस हिसाब ने अगर तुम देखो तो कई डिवेलपमेंट इन्हें की है। जगह जगह जाओ तो पता लगता है कि काम कुछ नहीं होएगा, सिर्फ झूठ दिख लिया कि थोड़े जेडे सिटिंग एम पी एन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो ऐसे ऐसे लोग ऐसी ऐसी जगह गए दे भी नहीं हैं। कई ऐसी जगह हैं जिथे वो ना तो वोट मंगने ही गए, ना जितने के बाद थैंक्स करने ही गए, तो ना वो बाद जाइए उन्हें लोगों ही जाइए बिच कोई पूछताछ की भी क्या हाल है, ठीक हो नहीं हो, क्या है। इस किस्म का मतलब एक एरोगेंट तरीके कने लोगों कने व्यवहार करना, तो मैं समझना कि अगर तुम दोबारा इन्हें लोगों ही वोट दे गए हो तो बहुत बड़ी गलत। युवराज विक्रमादित्य जी जिंदाबाद। उन्हें साढ़े कने छड़े झूठे वायदे किए, झूठा आश्वासन दिता है, जहर फैलाया है, पोलराइजेशन की है, फिर लोगों ही तोड़ने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी लोगों ही जोड़ने की कोशिश करती है, अग लगाने का काम नहीं करती है, अग बुझाने का काम करती है। इतने कुछ नजर थोड़ी नुमाइंदगी की, जम्मू कश्मीर का नाम इंटरनेशनल लेवल उपर रोशन किया है। हूँ मिकी भी मौका दिता गया है। इस ओरे बापू काश आते आज तुम हिंदोस्तां, ओरे बापू काश आते आज तुम हिंदोस्तां, देखते के मुल्क सारा आज किस उलझन में है, देखना है जोर कितना बाजुवे कातिल में है, वक्त आएगा बताएंगे तुझे हम आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, डोरियां उम्मीद की ना आज हमसे छूट जाएं, डोरियां उम्मीद की ना आज हमसे छूट जाएं, हौसले वो हौसले क्या जो जुल्म से टूट जाएं, हौसले वो हौसले क्या जो जुल्म से टूट जाएं, मिलके देखा है जिन्हें वो सपने ना टूट जाएं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं गर्व का मौका है, मिकी बड़ा अच्छा लगा था इतने आइए, खास तौर पर जिस वेले मैं सुनिया कि इतने मेरे दादा जी महाराजा हरि सिंह जी के टाइम का बने का एक स्कूल भी है, तो वो अधूरा है, उस अजे बड़े काम बाकी हैं। इस वेले अस कोई तुहाडे कने वायदे नहीं करी सकते क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, लेकिन मैं पूरा आश्वासन दिलाना कि अस तुहाडे अधूरे सपने जिहड़े हैं वो पूरे करगे। मेरे साथियों, साडा परिवार जम्मू कश्मीर दी रियासत कने बड़े सालों ते जुड़े दा है, साडा कोई केवल सियासी संबंध नहीं है, एक बड़ा पुराना पारिवारिक संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है। बहुत ही दूरदराज का इलाका है, बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, और मैं हैरान हूँ देख के कि बगल में ही हमारे हिमाचल के पास बॉर्डर लगता है। अगर आप हिमाचल साइड चले जाइए तो वहाँ कितनी तरक्की हुई है और जेएनके में कितनी तरक्की हुई है, ये चीज़ साफ एक कंपैरिजन नज़र आता है। अफसोस की बात है कि भाजपा सरकार में पाँच एमएलएज कठुआ डिस्ट्रिक्ट से रहे, एक डिप्टी सीएम रहे और तीन कैबिनेट मंत्री रहे, उसके बावजूद भी इस डिस्ट्रिक्ट के जो ये दूरदराज के इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, ये बहुत ही अफसोस। 14 के इंतखाबात में उन्होंने सबका साथ सबका विकास की तरह देखते हैं, उन चुनाव वादों को भी। देखिए, सबसे पहले तो लोगों को ये एहसास दिलाना होगा कि वो किसी वेव में आके या भावुक होकर सेंटिमेंट्स के ऊपर वोट ना दें। भाजपा का मुद्दा था विकास का, वही चीज़ मैं अभी समझा रहा था कि विकास के जो उन्होंने मुद्दे लिए, उनका मुद्दा था रोज़गारी का, विकास तो यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहा हमको कहीं भी जम्मू कश्मीर में। रोज़गारी की आप बात करते हैं, बेरोज़गारी यहाँ पे तो जो हमारे
ये टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ थे उनको भी पिछले 5 सालों से नहीं मिला है। पेंशन आप देख लीजिए, जो ओल्ड एज पेंशन हैं, जो विडो पेंशन हैं, वो भी लोगों को नहीं मिल रही है। कम से कम कांग्रेस पार्टी की सरकार में राशन लोगों को मिलता था, आज राशन और चीनी भी लोगों को नहीं मिल रही है। तो इस किस्म की बहुत परेशानियां हैं जो वायदे किए गए। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस दफ़ा आँखें खोल के खुद असेसमेंट करें, बड़े समझदारी से वोट दें, क्योंकि इनका एक एक वोट बहुत कीमती है और यही लोग हैं जो तय करेंगे कि आने वाले टाइम में इनका भविष्य कैसा होगा। और जो आने वाली हमारी नौजवान पीढ़ी है, यहाँ पे खड़ी है नौजवान लोग हैं, उनका भविष्य तय करने के लिए, सिक्योर करने के लिए बहुत सोच समझ के इस दफ़ा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मुझे यहाँ पे सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ मुझे कहीं नहीं कोई भी एक आदमी नहीं मिला है जिन्होंने उनके बारे में ये कहा होगा कि उन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम किया या लोगों के साथ तालमेल बना के रखा या लोगों की पूछताछ की या कभी दूरदराज के इलाकों में आए। हाँ, कई दफ़ा वो अपने हेलीकॉप्टर के दौरे लगाते हैं, वहाँ से पर्ची वगैरह फेंकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन आज पब्लिक की अगर आप आवाज़ सुनो तो पब्लिक की तरफ से उनकी किसी भी ओर से, किसी भी दृष्टि से कहीं भी प्रशंसा नहीं हो रही है। और लोगों का ये कहना है बल्कि कि वो उन्होंने बिल्कुल लोगों के साथ, पब्लिक के साथ संपर्क नहीं बना के रखा। कई जगह तो यहाँ मैं लोगों से मिला, कहते हैं वो ना तो वोट मांगने आए यहाँ पे, ना तो थैंक्स करने आए और ना तो कोई विकास का काम किया। तो आज लोग जानते ही नहीं कि उन्होंने वोट किस लिए डाल दिया उनको 2014 में। पूरी तरह से देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी ने भी डेवलपमेंट की थी और मैं पूरा आश्वासन दिलाता हूँ कि यहाँ पर ख़ास तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जहाँ तक रोड्स का सवाल है, पीने का पानी का सवाल है, स्कूलों का सवाल है, अस्पतालों का सवाल है, राशन पहुँचाने का सवाल है या कॉलेजेस का सवाल है, इन मुद्दों पे ख़ास तौर पे हम गौर करेंगे और जिन जिन इलाकों में इनकी ज़रूरत महसूस होगी उसको हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। देखिए, मनरेगा के तहत जो इन्होंने वेजेस देने थे वो लोगों को नहीं मिल रहे हैं अब, तो मतलब है कि ये भी एक किस्म का धोखा हुआ है लोगों के साथ कि आप जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं, जो पब्लिक बेनिफिट के लिए या पब्लिक वेलफेयर के लिए पॉलिसीज़ ले के आई थी कांग्रेस पार्टी, आज आप उनको भी नहीं आगे बढ़ा रहे हो और ख़ुद भी डेवलपमेंट और विकास का काम कुछ नहीं कर रहे हो। तो आपने क्या किया, लोगों का बेवकूफ़ बनाया, यहाँ पे लोगों का उल्लू बनाया। सिर्फ आप पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन खेल के उसी में वोट बैंक पॉलिटिक्स करके आप वोट ले रहे हैं, तो ये चीज़ें तो आज लोगों को आँखें खोल के, कान खोल के सुनना है, उनको देखना है कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। तो मैं चाहूँगा कि ये लोग बहुत सोच समझ के आगे का कदम उठाएं।